टेस्टोस्टेरोन या बॉडी बिल्डिंग के दौरान जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं, ऑब्वियसली उनकी बॉडी मसल्स और पूरी बॉडी बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है, मसल्स ग्रो करती है, फैट लॉस होता है एकदम खतरनाक पीक फॉर्म में, सबसे ज्यादा उनमें ताकत और सबसे अच्छा महसूस करते हैं उस समय, उस दौरान। साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अलग बात है, लिवर किडनी खराब होने का रिस्क होता है, हेयर फॉल होता है, बाकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है बंद करने के बाद। जी हाँ, क्योंकि भाई उसके बाद आपने स्टीरॉयड या टेस्टोस्टेरोन लेना बंद किया, नहीं करोगे तो लिवर किडनी फेल हो जाएगा। करोगे क्या तब भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक बॉडी होगी? नहीं। क्या तब भी उतनी ताकत होगी? नहीं। क्या तब भी मसल्स मेंटेन होगी? नहीं। सेम चीज यहां है, अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ इन दवाइयों पे डिपेंड करते हो कि मैं सिल्डेनाफिल, टेडेनाफिल, इन्हीं पे ही सिंगल फैक्टर इसी के साथ आगे बढ़ूंगा, तो आप इसके बगैर इरेक्शन नहीं कर पाओगे। आपको जिस तरह नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में थोड़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बॉडी बनती है, बिल्कुल बनती है, वैसी ही नेचुरली आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके बिना इरेक्टाइल, बिना ये टेडालाफिल या सिल्डेनाफिल, बिना वाइग्रा के भी प्रॉपर इरेक्शंस वापस पा सकते हैं। कुछ दिनों के लिए लेने में कोई नुकसान नहीं है। साइड इफेक्ट्स होते हैं हर दवा के, हर चीज के, जैसे इन चीजों के, टेडालाफिल हो, सिल्डेनाफिल हो, इनके कुछ कुछ अलग अलग भी है, लेकिन एक बेसिक साइड इफेक्ट है जो होता है हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होना, चक्कर आना, ये हो सकता है साइड इफेक्ट्स, राइट? किसी को अगर साथ में कोई और बीमारी है तो अलग साइड इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, जो हर केस में अलग होंगे। किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम में सैलरी वाइग्रा ले लिया, बीपी एकदम कम हो गया, या फिर हार्ट रेट एकदम बढ़ गई, हार्ट पे दिक्कत आ गई। सो देर आर साइड इफेक्ट जिसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से हमेशा डिस्कस करना चाहिए, ठीक है ना?